जनपद संभल के चंदौसी में पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, व्यापार मंडल अखिल भारतीय उद्योग व्यापार द्वारा वित्त मंत्री को संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार मनोज कुमार सिंह के माध्यम से भारत सरकार के वित्त मंत्री को भेजा गया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों जैसे कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस व अल्कोहल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, जिससे कि देश की आम जनता एवं उद्योग व्यापार को महंगाई और कच्चे माल की कीमतों से राहत मिलेगी, क्योंकि जीएसटी की अधिकतम दर 28% है। पेट्रोलियम पदार्थों को 28% के दायरे में आने से इनकी कीमतों पर 25% की कमी आएगी, जिससे महंगाई घटेगी और कच्चे माल की कीमत भी घटेगी, भाड़ा भी कम होगा और आम जनता को महंगाई से राहत मिलेगी। जीएसटी में ई वे बिल सीमा को सरकार ने एक दिन में 200 किलोमीटर कर दी है, जो कि सही नहीं है। इससे पहले की तरह 100 किलोमीटर करा दिया जाए। इसके अलावा जीएसटी पर किसी भी तकनीकी भूल के कारण कोई भी अर्थदंड या जुर्माना आरोपित न किया जाए, क्योंकि जीएसटी विभाग द्वारा जब से ये लागू हुई है अब तक कम से कम 1000 बार संशोधन हो चुके हैं। यदि व्यापारी द्वारा कोई भूलवश त्रुटि हो जाती है उनके ऊपर पेनल्टी आरोपित करना उचित नहीं है। ज्ञापन के माध्यम से यह भी कहा गया कि GST 1 एवं GST R3 में यदि किसी कारण से असमानता हो जाती है तो कुछ त्रुटि के सुधार की गुंजाइश रखी जाए व व्यापारियों को अपनी बात कहने का अवसर दिया जाए। साथ ही साथ वस्तु एवं सेवा कर के जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और व्यापारियों का उत्पीड़न करते हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाए। आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय आह्वान पर पूरे देश में और पूरे प्रदेश में जीएसटी के दायरे में पेट्रोलियम उत्पाद जो हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस, इसके अलावा अल्कोहल और जर्दा वगैरह को जो है वो जीएसटी के दायरे में लाया जाए, उसके लिए आज पूरे प्रदेश में जो है वो टैक्स दिया, वो ज्ञापन दिया जा रहा है अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा। उसमें यह है कि अगर इसको पेट्रोलियम उत्पादों को अगर हम जीएसटी के दायरे में लेके आती है सरकार, तो जीएसटी की अधिकतम सीमा जो है वो 28% है। इस हिसाब से जो है इनकी कीमतों में जो है वो 25% तक का जो है वो कमी आएगी, जिसकी वजह से जो है वो महंगाई में कमी आएगी और कच्चे माल में जो है उसमें भी कमी आएगी। इसके अलावा भाड़े का जो अत्यधिक किराया बढ़ चुका है उसकी भी भाड़े में कमी आएगी। इसके अलावा जो है वो 100 दिन का जो सरकार ने उसमें ई वे बिल पे रखा है, 200 किलोमीटर के दायरे में ई वे बिल पे जो कानून बनाया है, जैसे पिछले सरकारों पे 100 किलोमीटर के दायरे में था पिछले उसमें, तो वही लागू किया जाए नियम। इसके अलावा जो भ्रष्ट अधिकारी जीएसटी में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। इन्हीं सब मांगों को लेकर हमने वित्त मंत्री महोदया को जो है एक ज्ञापन यहाँ से चंदौसी से भेजा है और उसमें यही कहा गया है कि जीएसटी के दायरे में इन्हें पेट्रोल उत्पादों को लेकर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने आज वैट और जीएसटी को लेकर के एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने ये मांग की है पेट्रोल पर, रसोई गैस पर और जर्दा पर जीएसटी लगाया जाए और इसके ऊपर जो सरकार द्वारा एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे हैं और जिससे ये सब चीज़ें महंगी हैं, यदि इस पर जीएसटी लगाया जाएगा तो 30% से 35% तक इनके रेट कम हो जाएंगे, भाड़ा कम हो जाएगा और हम लोग जो है जिस तरीके से हमारे व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है जीएसटी में, कई जगह थोड़ी सी गलती अगर हो गई तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का उनका प्रावधान है, जिससे व्यापारी परेशान है और व्यापारी का उत्पीड़न लगातार किया जा रहा है। छोटे छोटे जो पदाधिकारी जो अधिकारी हैं वो व्यापारी को नोटिस देकर बुला रहे हैं और उसका उत्पीड़न कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ़ हैं और यदि व्यापारियों का उत्पीड़न किया गया तो हम सरकार के खिलाफ भी किसी तरह की आंदोलन कर सकते हैं। और इसके अलावा हम ये मांग करते हैं कि इस जीएसटी में लगभग 1000 बार संशोधन हो चुके हैं, कितने संशोधन और होंगे ये हमें बताया जाए, क्योंकि इतने संशोधनों के बाद व्यापारी परेशान है, हर महीने 1-2-4 संशोधन हो जाते हैं और जबकि संविधान में आज 70 साल के बाद केवल 70 ही संशोधन हुए हैं और हमारे जीएसटी में 1000 संशोधन हुए हैं। कृपा करके इसको सही रूप दिया जाए और एक सरल रूप से इसको प्रस्तुत किया जाए। एक मांग हमारी ये है कि यदि जो है जीएसटी एक जगह लगाया जाए, यानी कि सबसे ऊपर पर लगाया जाए और नीचे वाले को सबको वो कर दिया जाए, जिस तरह हमारे यहाँ सेल टैक्स था, तो इस तरह से व्यापारी को सुविधा मिलेगी और व्यापार सुविधाजनक होगा।